भारतपुर जिले के होलंबी कला इलाके में खेतों से सोमवार को मिले देसी हैंड ग्रेनेड को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान दिलीप उर्फ बिल्ली के रूप में हुई है, जबकि पुलिस उसके साथी कांशीराम उर्फ सोनू की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक कांशीराम ने ही दिलीप को हैंड ग्रेनेड रखने के लिए दिए थे। पूछताछ में दिलीप ने खुलासा किया कि देसी ग्रेनेड को उसके पड़ोसी कांशीराम उर्फ सोनी ने उसे दिए थे, जिन्हें उसने एक प्लास्टिक की बाल्टी में रखकर जंगल में एक खेत की जमीन में दबा दिया था। पुलिस ने देसी हैंड ग्रेनेड मिलने पर बम निरोधक दस्ते और स्वान दस्ता को भी बुलाया था। पुलिस के मुताबिक अभी तक की जाँच में आतंकवादी गतिविधि या गैंगवार का कोई भी लिंक सामने नहीं आया है। फिलहाल ग्रेनेड जमीन में ही दबे हुए हैं और स्पेशल सेल की टीम भी लगातार मामले की जांच कर रही है। साथ ही पुलिस कांशीराम की तलाश में भी छापेमारी कर रही है। 9 तारीख को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ को, कि कुछ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस जो हैं हमारा मेट्रो विहार चौकी का एरिया है वहाँ पे पड़े हो सकते हैं और शायद हैंड ग्रेनेड हो सकते हैं या फिर कोई दूसरा एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है। वहाँ पे फिर रेड की गई और ये 10 कंट्री मेड हैंड ग्रेनेड है ये वहाँ से बरामद हुए। जो इसमें एक्यूज्ड है हमारा दिलीप एलियास बिल्ली, ये वहीं मेट्रो विहार में रहता है। इसने इनकी रिकवरी करवाई। इसने जो है ये ग्रेनेड हैं कुछ 1.5 से 2 महीने पहले एक दूसरा इनका लड़का है छतरपुर MP से, उसने जो है लाके इसको दिए थे और इसने तब से ये इनको 2-3 जगह पर छुपा चुका है, क्योंकि ये काफ़ी वोलाटाइल होते हैं, गर्म जगह पर फट सकते हैं। तो इनको नाले के किनारे जाके ये अलग अलग जगहों पे गीली मिट्टी में एक प्लास्टिक के बॉक्स में बंद करके, जो ये बड़ा सा डब्बा होता है इसका पाउडर का, प्रोटीन पाउडर का, उसमें रख के इसने छुपा रखे थे और इसके इंस्टेंस पे ये हमने बरामद किए हैं। तो अभी जो प्रीलिमिनरी समझ में आ रहा है कि इन लोगों ने यहाँ पे क्यों रखे थे, क्या रखे थे, इसको ज़्यादा आइडिया नहीं है। ये ही वॉज जस्ट अ म्यूल। और जो काशीराम है वो अपना अभी MP में है, टीम उसके लिए जा चुकी है छतरपुर MP से, उसको लेके आएंगे तो एक बार थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी कि इसका यूज़ क्या करने वाले थे और यहाँ पे क्यों रखे हुए।